वेलकम टू सोनी मॉडर्न पब्लिक स्कूल। आइए आज हम रोमन नंबर के बारे में बात करते हैं कि रोमन नंबर क्या होता है और उसे समझेंगे क्लास 10 के लिए। ठीक है, रोमन नंबर को समझने के लिए सबसे पहला काम यह होता है कि जो हमारा बेसिक सेवन बेसिक सिंबल होते हैं उसे याद करना होता है। जब हमें बेसिक सेवन सिंबल याद हो जाएंगे तो हम रोमन नंबर आसानी से लिख पाएंगे। तो आइए हम बेसिक सिंबल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे बेसिक सिंबल क्या क्या होता है। तो देखिए, आई यानी वन, वी यानी फाइव, एक्स यानी टेन, एल यानी फिफ्टी, सी यानी हंड्रेड, डी यानी फाइव हंड्रेड, एम यानी थाउजेंड। यानी कहने का मतलब ये कि आई से हम वन को वन लिखते हैं, बी लिखेंगे तो फाइव, एक्स लिखेंगे तो टेन, एल लिखेंगे तो फिफ्टी, सी लिखेंगे तो हंड्रेड, डी लिखेंगे तो फाइव हंड्रेड और एम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा थाउजेंड। ठीक है, अब कुछ नियम होते हैं। जैसे कि ये जो बेसिक सेवन सिंबल होते हैं यह हम थ्री टाइम से ज्यादा बार नहीं लिख सकते, थ्री टाइम से ज्यादा टाइम इसे नहीं लिख सकते। जैसे में अगर कोई हमें बोलता है कि फोर लिखिए को, तो हम फोर को हम ऐसे नहीं लिख सकते, फोर को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो फोर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम फाइव को लिखेंगे, फिर फाइव को राइट हैंड में हम क्या करेंगे वन का सिंबल दे देंगे, इसका मतलब ये फोर हो जाएगा। हमें यह पता चलता है कि जब हम किसी भी सिंबल को राइट हैंड लेफ्ट हैंड में लिखते हैं तो उस सिंबल से वो माइनस हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने फोर लिखा, तो फोर को ऐसे लिखा, ठीक है, यानी फाइव में से हम क्या करेंगे माइनस वन कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइन के बारे में। तो नाइन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे टेन लिख लेंगे, टेन के क्या करेंगे लेफ्ट में वन लिख देंगे। ठीक है, यानी लेफ्ट में मतलब माइनस होगा, राइट का मतलब एड होगा, राइट का मतलब क्या होगा एड करेंगे, लेफ्ट मतलब हम क्या करेंगे उसमें माइनस करेंगे। ठीक है, नोट करिए, ठीक है, आइए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं कि रोमन नंबर कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, अगर हमें 10 लिखना होगा तो हमने ऐसे हम 10 लिख लेंगे, ठीक है, जब हमें 20 लिखना होगा तो हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, जब हमें 30 लिखना होगा तो हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, 30 ऐसे लिख लेंगे, जब हमें 40 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 40, ऐसे लिख सकते हैं 40, यानी 4 टाइम 10 10 10 का सिंबल दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि ये गलत है। मैंने पहले ही बताया कि ये जो 7 सिंबल होते हैं इसको हम 3 टाइम से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो अब हम 40 कैसे लिखेंगे, तो 40 लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे 50 लिखेंगे, तो 50 का क्या होता है भाई, 50 का एल होता है, 50 का क्या होता है एल लिख लेंगे, तो एल लिख लिया। अब हम क्या करेंगे लेफ्ट में हम 10 का सिंबल देंगे, यानी हमें क्या हो जाएगा, यानी 50 माइनस 10 यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 40। फिर हमें इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी बड़े सिंबल के लेफ्ट में कोई नंबर रहता है सिंबल रहता है तो उसे हम माइनस कर लेते हैं, और राइट में रहेगा तो उसे हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। ठीक है, लिखने का हमारा यही तरीका है। मान लीजिए कि अगर हमें ए लिखना हो 90 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे हम 100 को पहले लिखेंगे, यानी 100 का सिंबल क्या होता है सी होता है, सी लिखेंगे, फिर उसमें क्या कर लेंगे हम माइनस कर लेंगे, यानी राइट लेफ्ट हैंड में हम एस एक्स का यानी 10 का साइन दे देंगे, 10 का सिंबल दे देंगे। अब हम बात करते हैं आगे, अगर आगे जैसे मान लीजिए कि 11, अगर हमें 11 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
टेन लिखेंगे और टेन के क्या करेंगे राइट में हम वन का सिंबल दे देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा इलेवन हो जाएगा। तो हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि अगर कोई राइट में सिंबल लिखा जाता है तो ऐड होगा, अगर लेफ्ट में लिखा जाता है तो माइनस होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए अगर हम राइट में लिखते हैं तो ऐड होगा, लेफ्ट में लिखेंगे तो क्या होगा माइनस होगा। एक देखिए अगर एक ही चीज को अगर हमें नाइन लिखना होगा तो हम क्या करेंगे पहले टेन का सिंबल देंगे और फिर क्या करेंगे लेफ्ट में हम वन दे देंगे, टेन के लेफ्ट में वन का सिंबल दे देंगे। तो वन का जैसे सिंबल देंगे माइनस माइनस उधर है, यही लेफ्ट में राइट में होगा तो प्लस होगा, और लेफ्ट में होगा तो क्या होगा यानी यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है। और हम थ्री टाइम से ज्यादा टाइम नहीं लिख सकते। आइए मैं कुछ लिख के दिखा दूं आप लोगों को, फिर आप लोग घर से होमवर्क करिएगा 50 तक, कम से कम 50 तक करिएगा, कोशिश करिएगा कि 100 तक लिखे आप लोग। अगर 100 तक लिख लेते तो बहुत अच्छा है, अगर 100 तक नहीं लिख पाते हैं तो कम से कम 50 तक आप ट्राई जरूर करिएगा। कोई भी दिक्कत होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी चीज पूछना हो तो आप वहां पूछ सकते हैं। आइए हम आपको कुछ सिंपल लिख के दिखाते हैं। वन को ऐसे लिखेंगे, टू को ऐसे लिखेंगे, थ्री को ऐसे लिखेंगे, फोर ऐसे लिखेंगे। देखिए क्या क्या मैंने पहले भी लिखा, भी क्या क्या लेफ्ट में हमने वन का सिंबल ले लिया यानी माइनस कर लिया, यानी हमारा फोर हो गया। हम क्या लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे सिक्स। अब देखिए अब सिक्स में क्या किए हमने राइट में दे दिया, राइट में देने के बाद क्या है वन ऐड हो जा रहा है, वन हो जा रहा है राइट में दिया तो फिर क्या लिखेंगे हम सेवन यानी टू टाइम्स हो जाएगा सेवन। फिर क्या लिखेंगे हम एट हो गया ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा वन 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 का सिंबल थ्री टाइम्स हो गया एट में, तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे वन के सिंबल अब नहीं लेंगे क्योंकि हमने पहले ही बात किया है कि हम थ्री टाइम्स से ज्यादा उस सिंबल को नहीं ले सकते। तो देखिए अब हमें यहां पे क्या लिखना है नाइन लिखना है, तो हम क्या करेंगे टेन का सिंबल देंगे और वन, टेन का सिंबल देंगे और वन लिख लेंगे। फिर क्या हुआ टेन, टेन पे हम जानते ही है इलेवन के लिए देखिए इलेवन ऐसे हो जाएगा क्योंकि देखिए इलेवन में हमने क्या किया टेन का टेन के सिंबल डाला, फिर क्या किया हमने राइट हैंड में क्या किया राइट हैंड में हमने क्या किया वन का सिंबल डाले यानी हमारा ये इलेवन हो गया। राइट हैंड में हमेशा क्या होगा प्लस होगा, फिर हम क्या लिखेंगे ट्वेल्व, तो ट्वेल्व का क्या होगा टू टाइम्स थर्टीन फोर्टीन। अब देखिए फिर फोर्टीन आ गया, अब फोर्टीन लिखना था पहले देखिए हम टेन लिख देंगे, फिर क्या कहेंगे वन और क्या लिखेंगे फाइव यानी फाइव में से वन हो गया टेन यानी हमारे फोर्टीन बढ़ेगा। फिर फिफ्टीन, फिफ्टीन कैसे लिखेंगे टेन को और फाइव कैसे बदल दे देंगे ये हमारा फिफ्टीन बनाएंगे ठीक है। आप लोग घर पे कोशिश करिएगा कि हंड्रेड तक लिखिए और समझे सही तरीका से, और नहीं होता है तो कम से कम फिफ्टी तक आप जरूर कोशिश करें और लिखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।